हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का जेनर क्लासेज में सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार बी एस टी की बात करेंगे साढ़े चार सौ प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं आखिरी पैतालीस दिन की क्या रणनीति रहेगी दोस्तों पहले तो क्या हुआ था विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे सर फॉरम कब निकलेंगे सर फॉरम कब से स्टार्ट होंगे सर एग्जाम कब होगी बी की और जब फॉरम भी आ गए हैं एग्जाम डेट भी आ गई है तो आप लोग परेशान हो रहे हैं सर इतनी जल्दी एग्जाम दे दी सर पैंतालीस दिन में कैसे कोर्स कवर होगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बात है अगर 45 दिन बच रहे हैं या 50 दिन बच रहे हैं तो जल्दी एग्जाम होने से क्या होगा आपकी पूरी प्रक्रिया जल्दी होगी एग्जाम भी जल्दी होगा रिजल्ट भी जल्दी आएगा एडमिशन भी जल्दी होगा आपका जो यहाँ पर डिप्लोमा है ये भी जल्दी होगा तो नौकरी भी जल्दी लगेंगे तो जो भी हुआ अच्छा हुआ है लेकिन ये जो आखिरी पैंतालीस दिन है इसमें कैसे पूरा सिलेबस कवर करें जो भी पढ़ा है उसको हंड्रेड कैसे रिविजन या प्रैक्टिस करें सब कुछ क्या पैंतालीस दिन में हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है बी एस एग्जाम में। क्योंकि सीटी तो पच्चीस तो क्या, क्या पढ़े कैसे पढ़े कैसे डिवाइड करें तो भाई आराम से कवर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ट्वेल्थ लेवल का पेपर होता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका बारहवीं का एग्जाम हुआ है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और वो बी की तैयारी कर रहे हैं तो बारहवीं वालों को मैं कहना चाहूंगा आपके लिए ही वीडियो है बाकी जो जिन्होंने पहले ही दे चुके हैं एग्जाम उनको तो मालूम ही है कि कैसे क्या यहाँ पर सिलेबस है पैटर्न क्या होता है लेकिन नए स्टूडेंट को मालूम नहीं है और जो अभी से शुरू कर रहे हैं पढ़ाई फॉर्म आने के बाद में ग्यारह तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं इकतीस तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और तीस जून को आपका पेपर होगा तो जो बारहवीं वाले स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट है उनके लिए हम बात करेंगे बाकी पी एच स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाला है अगर आप इस रणनीति से यहां पर दोस्तों तैयारी करते हैं तो कोई भी कोई भी ताकत आपको साढ़े चार नंबर साढ़े चार सौ नंबर लाने से रोक नहीं सकती है साथियों यहां पर देखिए आप लोग सबसे पहले क्या करना है कि जो पैंतालीस दिन इनको डिवाइड करना है देखो मैं आपको बताता हूं चालीस क्या हम कह सकते हैं तीस प्लस पंद्रह डिवाइड कर लो ये जो एक महीना है तीस दिन है ये जो तीस दिन है इसमें तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है जो भी थ्योरी है जो सिलेबस है जो टॉपिक है सिलेबस आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन में हमने भी वीडियो बना दी है देख लेना पूरे सिलेबस की वीडियो बनाई हुई है और इस वीडियो में आपको बता दूंगा क्या क्या टॉपिक है, है तो तीस दिन में तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है क्योंकि सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो भैया नंबर कैसे आएंगे साढ़े चार सौ तो सबसे पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है ठीक है ना जब आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लिया नोट्स बना लिए पीडीएफ देख लिए कॉपी में लिख लिया अच्छे से उसके बाद में दोस्तों जो बाकी के पंद्रह दिन है इन दिन में आपको क्या करना है रिवीजन और प्रैक्टिस करना है और रिविजन का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है ना तो सबसे पहले थ्योरी कवर करने पर आपका फोकस होना चाहिए जितने भी टॉपिक हैं सभी सब्जेक्ट के उनको अच्छे से पढ़ो उनको तैयार करो उनको सीखो ठीक है ना और जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए तो फिर बारी आती है रिवीजन की प्रैक्टिस की क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है चाहे आपने हंड्रेड परसेंट नहीं पढ़ा आपने अस्सी परसेंट पढ़ा है आपने सत्तर परसेंट पढ़ा है लेकिन जो भी पढ़ा है ना वो आपको अच्छे से आना चाहिए ये कॉम्पिटिशन का नियम होता है ये किसी भी एंट्रेंस का नियम होता है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको 600 में से 600 नंबर लाने हैं अगर दोस्तों आप साढ़े चार सौ भी नंबर लाते हैं तो भी आप टॉप कर जाएंगे तो भी आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी ठीक है ना तो पूरा हंड्रेड परसेंट तो नहीं पढ़ना लेकिन जितना भी आपने पढ़ा है वो अच्छे से आपको आना चाहिए और वो कब आएगा वो रिविजन और बार बार प्रैक्टिस से आएगा ठीक है ना तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना है अब इसमें भी क्या करना है सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की आपके दो तीन सब्जेक्ट ऐसी हैं जो बहुत आसान है और जिनको आप

तो इसमें पूरी रीजनिंग आ गई कोडिंग डिकोडिंग फिगर काउंटिंग आपका इसके अलावा आपका यहाँ पर अलग से देखो एनालॉजी दे रखा है जिसमें हम भिन्न वाले सवाल करते हैं समान वाले सवाल करते हैं कैसे इनमें डिफरेंट को निकालना है आपको पता ही है अल्फाबेट्स भी इसमें आ जाते हैं नंबर भी आ जाते हैं ठीक है ना फिर अलग से हम सीरीज को भी पढ़ते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपके विभेदीकरण है ठीक है ना डिस्क्रिमिनेशन है जो विभेदीकरण है ये भी आपके टॉपिक है इसके अलावा रिलेशनशिप यानी जो संबंध वाला है जो रक्त संबंध वाला जो आपका टॉपिक है ये भी हम पढ़ते हैं

तीस दिन देता हूं मैं आपको पूरे के पूरे तीस दिन जो बड़े टॉपिक है कैलेंडर है उसको दो दिन ले लो जो क्लॉक है उसको दो दिन ले लो सिटिंग अरेंजमेंट है दो दिन ले लो ठीक है ना घन गन घनाप शंकु है दो दिन ले लो तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको तीस दिन में सारे टॉपिक अच्छे से आने चाहिए एक एक टॉपिक को आपको नॉलेज होनी चाहिए इसमें क्या ट्रिक लगेगी इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा ये कैसे सोल्व होगा ये आपको मालूम होना चाहिए तो रीजनिंग पूरे पचास में से पचास सवाल आपको सही करने हैं और ज्यादा टिपिकल नहीं आती है नॉर्मल आती है पीटीटी में तो फिर भी बहुत हार्ड सवाल आते हैं इसमें आसानी आते हैं टेंशन मत करो ठीक है ना रीजनिंग आप तीस दिन में कर लेंगे और एक एक दिन में आपको पूरा थ्योरी पूरा कंसेप्ट यहां पर सीखना है अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान जीके की इसमें देखो इसमें आसान है जीके बड़ी आसान आती है पीटीटी सॉरी बी एस टी में बी एस में जीके बड़ी आसान आती है क्यों आती है क्योंकि इसमें ओनली राजस्थान जी के आती है ओनली सिर्फ राजस्थान जी के बढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना, कोई साइंस नहीं पढ़ना कोई करंट अफेयर नहीं पढ़नी कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ना की क्रांति राजस्थान का एकीकरण प्रजामंडल किसान आंदोलन मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री है उससे तो जो आपके ऐतिहासिक पक्ष है राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है इसके अलावा राजनीतिक पक्ष अब राजस्थान की राजनीति आएगी मतलब राजस्थान की पॉलिटी जिसमें आपका विधानसभा आ गया मुख्यमंत्री आ गया राज्यपाल आ गया आपका मुख्य सचिव क्या होते हैं तो हाई कोर्ट हो गया तो मतलब राजस्थान का ही पॉलिटी पूछा जाएगा तो राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक आपको पढ़ने हैं ठीक है ना इसके अलावा दोस्तों कला संस्कृति और साहित्य ये सबसे ज्यादा पोर्शन है मैं कह रहा हूं अगर आपके 50 सवाल जीके के आते हैं तो आप पिछले पांच साल के पेपर उठा के देख लेना मैंने तो देख लिए हैं पढ़ाया भी है सवाल आपके जो आएंगे वो दो सब्जेक्ट से आएंगे एक तो आर्ट एंड कल्चर आपके दोस्तों यहाँ पर कला और संस्कृति कला व संस्कृति आर्ट एंड कल्चर से आएंगे और इसके अलावा आपके भूगोल यानी जोग्राफी से आएंगे ठीक है ना तीस सवाल बाकी के जो बीस सवाल हैं वो इन टॉपिक से आएंगे हिस्ट्री विस्ट्री से. ठीक है ना ये ध्यान रखना है तो यहां पर आर्थिक पक्ष यानी कुछ इकोनॉमी के टॉपिक भी आएंगे भौगोलिक पक्ष आपका पूरा ज्योग्राफी तो आएगा ही आएगा लोक जीवन आपके जो यहाँ पर राजस्थान का लोक जीवन है यहाँ पर और पर्यटन पक्ष ये भी आ जाएगा तो ये कुल मिला के आठ यहाँ पर बड़े बड़े टॉपिक हैं जिसमें काफी डिटेल है और इनमें छोटे छोटे टॉपिक है जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख दिया इतना सा कि भैया भौगोलिक पक्ष अब राजस्थान का पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है और नया जोग्रोफी आ गया है नए जिले बने हैं पचास जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ना है सब कुछ चेंज हो चुका है तो जेन्युन क्लासेज एप्लीकेशन पर जो अपना कोर्स है उसमें पूरा जीके हमने डिटेल में पढ़ाया है और नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ाया है ज्योग्राफी के टीचर अलग हैं बेस्ट टीचर ने आपको पढ़ाया राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की हिस्ट्री हर सब्जेक्ट को अलग अलग फैकल्टी ने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है तो कुल मिला यही टॉपिक पढ़ने हैं सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको एक तो कला संस्कृति और साहित्य पर और दूसरा भूगोल पर इन पे ध्यान देना है बाकी छोटे छोटे टॉपिक है ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे उसके बाद आप पॉलिटी को थोड़ा बहुत देख लेना क्लियर है तो यहां पर मैंने आपको बताया नहीं मैं बता देता हूं कि जीके में डेली एक घंटा जीके को दो ज्यादा मत दो अगर आप एक घंटा भी देते हैं तो आपका काम हो जाएगा और मेरी सुबह नौ बजे वाली क्लास जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं एप्लीकेशन से नहीं पढ़ना चाहते वो सिर्फ मेरी नौ बजे वाली जो क्लास है उसको देख लेना काम हो जाएगा ठीक है ना अब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड दो 2024 में टीचिंग एप्टीट्यूड का अहम रोल हो जाता है। क्यों हो जाता जाता है। है? क्यों क्योंकि पर तीन दो एक का सिस्टम नहीं है यहाँ पर सही करोगे तो तीन नंबर और गलत करोगे तो जीरो नंबर है यानी ये भी बाकी की सब्जेक्ट की तरह नॉर्मल है इसमें कोई आपको एडवांटेज नहीं मिल रहा यानी साथियों शिक्षण अधिगम या आपका टॉपिक है सिलेबस का नेतृत्व के जो गुण हैं सर्जनात्मक क्रिएटिविटी सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई सीई संप्रेक्षण कौशल आपका जो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल है इसके अलावा व्यवसायिक अभिवृत्ति सामाजिक संवेदनशीलता ये सात टॉपिक हैं सात टॉपिक चौदह दिन ले लो सात दो चौदह एक मतलब एक टॉपिक को दो दिन में पढ़ लो इसकी थ्योरी यानी चौदह दिन में अगर आप एक एक घंटे भी दोस्तों यहाँ पर ये पढ़ते हैं तो आराम से ये सात टॉपिक कवर हो जाएंगे बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत आसान सवाल आते हैं मतलब इतने आसान आते हैं कोई भी कर देगा पचास में से तीस सवाल तो आपकी जो बेसिक सेंस है मतलब जो आप कम बोलते हैं ना कि कॉमन सेंस उससे हो जाते हैं यानी तीन बातों का ध्यान रखना है एक तो जो आप यहाँ पर ये यह से हल्के फुलके पढ़ के जाना दूसरी बात जब क्वेश्चन को सोल्व करो तो पॉजिटिव थिंक रखना और अपने आप को या तो टीचर मान लेना या स्टूडेंट मान लेना आधे से ज्यादा सवाल तो ऐसे सही आपके हो जाएंगे बाकी मेरी नौ बजे क्लास होती है यूट्यूब पर टीचिंग एप्टीट्यूड की वो तीस जून तक डेली होगी उसको जरूर आपको देखना है ठीक है अब हम बात करते हैं दोस्तों लैंग्वेज लैंग्वेज पे बात करते हैं लैंग्वेज यानी दोस्तों भाषा जो आपका चौथा सेक्शन है अब भाषा में दोस्तों आपके यहां पर तीन भाषाएं हैं मुख्यतः है, मुख्यतः है। देखो यहां पर एक तो बीस सवाल तो अंग्रेजी के आएंगे इंग्लिश के और ये आपको बीस सवाल इंग्लिश को सबको करना है चाहे आप संस्कृत से हैं चाहे आप हिंदी से हैं किसी भी सब्जेक्ट से हैं किसी भी संकाय से हैं अगर आपने यहां पर बी का फॉर्म लगाया है तो बीस क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं इसके अलावा दोस्तों आप संस्कृत और हिंदी में से संस्कृत और हिंदी में से क्या कर सकते हैं तीस सवाल या तो हिंदी के तीस सवाल कर सकते हैं या साथियों संस्कृत के तीस सवाल यहाँ पर कर सकते हैं टोटल आपको पचास परसेंट यहाँ पर लैंग्वेज के यानी भाषा के करने हैं ठीक है ना तो इंग्लिश में भी ज्यादा नहीं है थोड़ा बहुत वोकेब है और थोड़ा बहुत आपका ग्रामर है ज्यादा नहीं है बीस सवाल आएंगे तो हमने बहुत ही डिटेल में है। पर बहुत हिंदी को पूरा पढ़ाया दोस्तों आसू सर ने जो यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा उनका मैं आपको बता देता हूँ तो ये सब कुछ आप कवर कर सकते हो हिंदी संस्कृत आप इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये तो यू मानो कितने टॉपिक है मैंने घिने इसमें ग्यारह टॉपिक है और स ग्यारह टॉपिक इंग्लिश में है तो डेली एक एक दो दो टॉपिक भी पढ़ोगे यानी एक महीने में आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप हर सब्जेक्ट को एक एक दो दो घंटे दो दो घंटे यहां पर देते हैं रीजनिंग को दो घंटे दे देना बाकी हर सब्जेक्ट को एक एक घंटे भी देंगे तो भी आपका पूरा थ्योरी कवर हो जाएगा और जब थ्योरी कवर होने के बाद आपको प्रैक्टिस और रिविजन करना है उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ तो साथियों थ्योरी आप कहाँ से पढ़ेंगे जेन्युन क्लासेज एप्लीकेशन से पढ़ेंगे यानी हमारा जो बी एस टी सी दो हजार चौबीस का कोर्स है क्योंकि देखो पढ़ने के लिए आपके पास में कंटेंट होना बहुत जरूरी है आप कंटेंट में देखो एक तो कोर्स हो सकता है है ना ऑनलाइन कोर्स हो सकता है या कोई आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो वहां के नोट हो सकते हैं या हो सकता है आपके पास में कोई बुक हो उससे भी बच्चे पढ़ते हैं तो अगर ऑनलाइन कोर्स लोगे तो आपको पीडीएफ भी मिलेगी क्लास भी मिलेगी आपको संज्ञा पढ़ना है संज्ञा की वीडियो उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ना है उसका पूरा वीडियो उसकी यहाँ पर पीडीएफ आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री पढ़ना है उसका पूरा लेक्चर उसकी पूरी पीडीएफ तो हर तरह से आपको यहाँ पर डिटेल मिलेगा ठीक है ना अब दोस्त अब आप कहोगे सर हमने पूरा कोर्स पढ़ लिया आप क्या करें हमें पूरा सिलेबस हो गया तो टेस्ट सीरीज साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिलेगी है ना पांच हजार की टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी आपको टेंशन ना लो तो उससे पूरा, तो पूरा इंग्लिश हो हिंदी हो जीके हो रीजनिंग हो टीचिंग एप्टीट्यूड हो हर अलग अलग फैकल्टी ने सब सब्जेक्ट को पढ़ाया है डिटेल में पढ़ाया है और लेटेस्ट पढ़ाया है अपडेटेड पढ़ाया है और क्या चाहिए वो भी तीन सौ रुपए में पूरे राजस्थान का सबसे बेस्ट कोर्स मैं कह सकता हूं और इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन होंगे पिछली बार भी जेन्युन क्लासेज ने बहुत ज्यादा सिलेक्शन यहां पर दिए थे तो अभी भी बारी है दोस्तों आपकी आप कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं बड़ा आसान है प्ले स्टोर से या लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस पर क्लिक करके जेन्युन क्लासेस सर्च करो वहां से डाउनलोड करो और बी एस टी कोर्स पे जाके कोर्स को परचेज कर लो और तैयारी शुरू कर दो ठीक है ना ये पूरा रणनीति है इस रणनीति से अगर आप काम करोगे ना तो कोई भी ताकत में कह रहा हूं ना आपको साढ़े चार सौ नंबर लाने से नहीं रोक सकती आराम से इजीली आपके साढ़े चार सौ नंबर आ जाएंगे और बहुत आसान पेपर आता है कोई टेंशन नहीं है पिछली बार हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर से मिले थे या क्लास से मिले थे इस बार भी मिलेंगे टेंशन मत करो ऑल दी बेस्ट धन्यवाद थैंक यू